Union Law and Telecom Minister Ravi Shankar Prasad today met Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh and discussed various measures for the development of the Naxal-hit state. While addressing a bunch of reporters after the meeting, Prasad shed light on the major discussions of the meeting and said that BSNL towers have been made very powerful in all the Naxal-affected regions of the state, keeping in mind the connectivity and safety of the people. और एक दो जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, एक तो पूरे नक्सलवादी प्रभावी इलाकों में जितने BSNL के टावर्स हैं उसमें मजबूती आए, इसको प्राथमिकता के स्तर पर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया और मैं विस्तार से स्वयं छत्तीसगढ़ जाऊंगा। अभी भारत सरकार ने कुछ फैसले किए हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में BSNL के टावर्स को आगे बढ़ाने के लिए और इस दिशा को मैंने बहुत तीव्र गति से प्रमोट करने का फैसला किया है, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए सुरक्षा के लिए और लोगों के लिए भी। Prasad also added that he has given his nod to make the capital city Naya Raipur a hub of electronic industry, and for that the union minister agreed to provide land near the capital city. एक दूसरा जो महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया और जिसको मैंने तुरंत सहमति दी है कि नया रायपुर जो भारत का एक प्रकार से सबसे अच्छी राजधानी बनी है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए एक क्लस्टर आए, जो भारत सरकार की भूमिका है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, तुरंत वो एग्री कर गए हैं कि मैं जमीन दूंगा एक बढ़िया क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का रायपुर में आए, नया रायपुर के पास। तो ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रगति भी होगी। तो आज ये दो फैसले हुए हैं। देश के विकास की चिंता तो होगी होगी, छत्तीसगढ़ के विकास की और चिंता होगी, क्योंकि मेरा उस प्रदेश के साथ बहुत ही पुराना नाता रहा है। Powered by NNIS.